जी हम उर्दू क्लास में सोलर सिस्टम के बारे में आज मैं अपने दोस्तों को कुछ मालूमात देता हूं। जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप सोलर सिस्टम कम पैसों में कैसे उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, आज सोलर सिस्टम से कंट्रोलर और कंट्रोलर से बैटरी तक जो सारी रूट है सारा उसके बारे में मैं आज बताता हूं कि बास दोस्त कंट्रोलर को समझते हैं कि कंट्रोलर 20 साल बैटरी को चार्ज करता है। कंट्रोलर जो आपकी सोलर प्लेट जनरेट करती है बिजली, उसको बैटरी तक बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाने के लिए असल कंट्रोलर इस्तेमाल होता है। आज की वीडियो में मैं ये बताता हूं कि जो कंट्रोलर है उसकी एक सेटिंग होती है, उसमें तीन पुश बटन लगे होते हैं, उसके डिस्प्ले के ऊपर वो आ रहा होता है, तो उसको सेटिंग में आपने कंट्रोलर को बैटरी को 14.5 से ज्यादा सेटिंग में नहीं जाना। अगर आपकी बैटरी 14.5 से ऊपर जा रही है तो आपकी बैटरी ओवरचार्ज हो रही है, जो बहुत जल्दी खुश्क होगी और खराब हो जाएगी। और जब आपकी बैटरी लो पॉइंट पे आए, जहां आपकी 11 तक उसका लेवल चला जाए, उसके डिस्प्ले पे 11 वोल्ट आ जाए, तो समझे कि अब आपकी बैटरी डाउन हो रही है। उसके बाद कोशिश करें कि इस्तेमाल ना करें। मैक्सिमम 14.5 पे अपने कंट्रोलर को सेट करें और मिनिमम 11 वोल्ट तक उसको सेट करें। इसलिए कि जब सोलर प्लेट बिजली जनरेट करती है, अगर कंट्रोलर की सेटिंग सही नहीं है तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी और आप अपनी बैटरी को बहुत जल्दी खराब करके नुकसान कर लेंगे फायदे की बजाय। तो कंट्रोलर बीच में उसकी सेटिंग को जरूर करें, जो जिस तरीके से मैंने बताया कि कम से कम और मैक्सिमम इतने पॉइंट पे अपने सोलर को कंट्रोलर को की सेटिंग करें और डिस्प्ले पे उसको देखें कि वाकई वो लो और हाई पे यही पॉइंट दे रहा है।